एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू परशुरम। आज है संडे और हम डिस्कस करेंगे वीकली करेंट अफेयर्स। तो आपका यहाँ पर आज टेलीग्राम में 10 AM क्विज होगा, उस क्विज को ज़रूर अटेंड कीजिएगा जिससे आपके पूरे हफ्ते के जो करेंट अफेयर्स होंगे वो रिवाइज हो जाएंगे। साथ ही साथ जो विनर होगा उसको एक्साइटिंग प्राइज़ भी दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 18 से लेकर 23 ऑफ जुलाई तक के जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स रहे थे उनके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में, उनकी थीम्स के बारे में, एंड देन हम वन लाइनर पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना, जिससे जो भी स्टूडेंट पूरे हफ्ते करंट अफेयर्स नहीं देख पाते हैं तो वो शॉर्ट में करंट अफेयर्स को समझ सकेंगे। ओके है, सो स्टार्ट करेंगे हम। एक बार लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। अच्छा हाँ, PDF कहाँ पर मिलेगी, तो हमारी वेबसाइट पर आपको PDF आज की क्लास की मिल जाएगी। सो सबसे पहले 17th ऑफ जुलाई को हमने वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस को सेलिब्रेट किया था, जिसकी थीम क्या थी, अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। 18th ऑफ जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट डे था क्योंकि इस दिन हमने नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया। यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2009 में डिक्लेयर किया गया था कि हर साल 18 जुलाई को हम नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं ह्यूमन राइट के लिए, साथ ही साथ साउथ अफ्रीका में एक एक्टिविस्ट की तरह इन्होंने काम किया है। इन्हें साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। और नेल्सन मंडेला जी को 1993 में नोबल पीस प्राइज़ भी दिया गया था, ठीक है। नोबल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है इन्हें अक्टूबर 1993 में। अच्छा, नेल्सन मंडेला डे की थीम क्या थी, थीम थी डू व्हाट यू कैन विद व्हाट यू हैव वेयर यू आर, ठीक है। अच्छा, 18th ऑफ जुलाई को हमने तमिलनाडु डे भी सेलिब्रेट किया था। हम सभी को पता है कि 1st नवंबर 1956 को जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी वो टूट गई थी, डिवाइड हो गई थी, ठीक है ना। और आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला वर सेपरेटेड फ्रॉम द मद्रास प्रेसिडेंसी, ओके। इसके अलावा 1967 में 18th ऑफ जुलाई को ही मद्रास प्रेसिडेंसी का जो रिमेनिंग हिस्सा था उसको तमिलनाडु डिक्लेयर किया गया था, इसलिए तमिलनाडु डे 18th ऑफ जुलाई को मनाया जाता है। 19th ऑफ जुलाई को मंगल पांडे जी की बर्थ एनिवर्सरी थी। हम सभी लोग 1857 के रिवॉर्ड को जानते हैं, 1857 की क्रांति के विद्रोह में शामिल होने वाले मंगल पांडे थे, और 19th ऑफ जुलाई को इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। 19th ऑफ जुलाई 1827 को अकबरपुर में इनका जन्म हुआ था। अब 20 जुलाई को हमने इंटरनेशनल चेस डे सेलिब्रेट किया है। इस दिन को फिडे मतलब इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना पेरिस 1924 में की गई थी। यूनेस्को के द्वारा इस दिन की शुरुआत की गई थी, इंटरनेशनल चेस डे 20th ऑफ जुलाई। फिर 20th ऑफ जुलाई को इंटरनेशनल मून डे भी मनाया जाता है, क्योंकि अपोलो जो 11 मिशन था, आप लोगों ने नासा के अपोलो 11 मिशन के बारे में डेफिनेटली सुना होगा, ये पहला मिशन था जिससे इंसान जो है वो चंद्रमा पे गए थे। तो 1969 में नील आर्मस्ट्रांग जो है उन्होंने मून वॉक किया था, तो 20 जुलाई का दिन था, इसलिए इंटरनेशनल मून डे हम 20 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 22nd ऑफ जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है, जिसकी थीम है ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी जो है वो 22 जुलाई को ही सेटअप की गई थी 1957 में, और 2014 से जो है वो वर्ल्ड ब्रेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। 22nd ऑफ जुलाई 1947 को हमने अपने नेशनल फ्लैग को भी अडॉप्ट किया था, तो नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे भी 22 जुलाई को होता है। और हमारा जो नेशनल फ्लैग है, जो ट्राई कलर या तिरंगा है, उसके डिज़ाइन किसने किया था, पिंगली वेंकैया जी के द्वारा उसे डिज़ाइन किया गया था। तो ये दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे। अब हम बात करते हैं वन लाइनर के बारे में। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ऑफ द डे, तो UPSC के लेवल पर उस क्वेश्चन को डिज़ाइन किया है, तैयार किया है, आप उसका आंसर डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। तो पहला हमारे पास वन लाइनर है, द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति बन गई हैं, 15th नंबर की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गई हैं। इन्होंने 64% वोट जो है वो सिक्योर किए हैं। इनके अपोजिशन में यशवंत सिन्हा जी थे जिन्हें 36% वोट मिले हैं। तो ये फर्स्ट ट्राइबल वीमेन हैं जो कि भारत की राष्ट्रपति के पद पे पहुंची हैं। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की GDP को फॉरकास्ट किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23 और कहा है कि भारत की GDP 7.2% रहेगी अकॉर्डिंग टू द एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हमारे भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपने सारे रजिस्टर जो कमर्शियल व्हीकल हैं, जो कि इक्विप्ड हैं व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम से, उन्हें इमरजेंसी रिस्पॉन्स
सपोर्ट सिस्टम के साथ लिंक किया है। अगर कोई भी इमरजेंसी आती है तो प्रेस बटन को प्रेस करो, इमरजेंसी बटन को, और ऑफिस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी और उन तक रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा सकेगा। तो ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा बन चुका है? हिमाचल प्रदेश बन चुका है। नेक्स्ट है, यूनियन कैबिनेट ने एक MOU साइन किया है इंडिया और मालदीव्स के बीच फॉर जुडिशियल कॉरपोरेशन। तो जुडिशियल कॉरपोरेशन के साथ ये 8वें नंबर की कंट्री है जिसके साथ भारत ने MOU साइन किया है। नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स के द्वारा सेटअप किया गया एक बैंक है। ब्रिक्स नेशन जो हैं उनके द्वारा ही NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक को सेटअप किया गया है, और इसने $875 मिलियन की जो है वो लोन अप्रूव किया है वाटर, सैनिटेशन, इको टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट के लिए ब्राज़ील, चाइना और इंडिया को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के एक्टिंग प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं शेफ अहमद, जो कि इजिप्ट से बिलोंग करते हैं। क्योंकि जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम है नरेंद्र बत्रा, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद एक्टिंग प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं शेफ अहमद, जो कि इजिप्ट से हैं। नेक्स्ट है राजश्री गुप्ता। राजश्री गुप्ता जो है इन्हें MD बनाया गया है ONGC विदेश लिमिटेड का। ONGC विदेश लिमिटेड जो है बेसिकली ONGC की ही एक इन्वेस्टमेंट आर्म है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट आर्म है। ठीक है, तो राजश्री गुप्ता जी को MD बनाया गया है ONGC विदेश लिमिटेड का। नेक्स्ट है वरुण, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये वरुण। PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनवील किया गया है वरुण, जो कि भारत का पहला पैसेंजर ड्रोन है। भारत का पहला पैसेंजर ड्रोन है। इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी, इसकी रेंज बताई थी, इसका पेलोड भी मैंने आपको बताया था, जो कि आपको दिमाग में याद रखना है, और किसने डिज़ाइन किया है वो भी याद रखना है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट है SEBI सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा आशीष कुमार चौहान जी को नया हेड NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बनाया गया है। तो SEBI ने आशीष कुमार चौहान जी को NSE का हेड बनाया है। इसके अलावा सिंगापुर ओपन का टाइटल किसने जीता है? सिंगापुर ओपन का टाइटल PV सिंधु ने जीता है। फिर है INS सिंधु ध्वज, इसे इंडियन नेवी के द्वारा डिकमीशन कर दिया गया है, और ये भारत की एक किलो क्लास सबमरीन थी जिसको रशिया के द्वारा डिज़ाइन किया गया था और 1987 में इसे कमीशन किया गया था। नेक्स्ट है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, इसे सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग ICAR इंस्टीट्यूट अवार्ड 2021 दिया गया है इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए। नेक्स्ट है डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक एपेक्स कमेटी का गठन किया है, और ये एपेक्स कमेटी जिसके हेड कौन होंगे? डिफेंस सेक्रेटरी होंगे। और ये एपेक्स कमेटी क्या करेगी? जो भी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी है, जो भी असेट है, इन्वेंट्री है, लॉजिस्टिक है, उन सब चीज़ों की डिफेंस में ऑडिटिंग करने का काम ये कमेटी करेगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि रक्षा मंत्रालय ने जो कमेटी ऑडिटिंग या फिर परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी के लिए बनाई है उसका हेड कौन होगा? तो उसका हेड डिफेंस सेक्रेटरी होगा। ठीक है, जो आपके रक्षा सचिव कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं DBS बैंक। DBS बैंक अब सेकेंड टाइम जो है वो वर्ल्ड बेस्ट SME बैंक बन गया है, वर्ल्ड बेस्ट SME बैंक बाय यूरो मनी। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ MSME नारायण राणे, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के मिनिस्ट्री कौन है? नारायण राणे हैं। इनके द्वारा रेपोस पे और मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लेटफॉर्म और फिजिटल अ फिनटेक प्लेटफॉर्म फ्यूलिंग इंडिया 2022 को लॉन्च किया गया है। अगली जो न्यूज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि हिस्ट्री है। मयराज अहमद खान, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है और ये पहले इंडियन शूटर बन गए हैं टू विन द गोल्ड मेडल इन मेंस स्किट इवेंट एट 2022 ISSF वर्ल्ड कप इन चंगवॉन साउथ कोरिया। तो ISSF वर्ल्ड कप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और पहले शूटर बन गए हैं। इसके अलावा मणिपुर के गवर्नर जिनका नाम है ला गेंसन, इन्हें एडिशनल चार्जेस दिए गए हैं गवर्नर ऑफ बंगाल के, क्योंकि गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे जगदीप धनखड़, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और इन्हें वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया गया है, इसलिए इन्होंने रिज़ाइन किया है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशंस के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसका नाम है एक्सपेक्ट इनसाइड रैंकिंग, जिसमें भारत की रैंकिंग कौन सी है? भारत की रैंकिंग 36 है आउट ऑफ 52 कंट्रीज़, और मेक्सिको ने यहाँ पे टॉप किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हिंडलको इंडस्ट्री लिमिटेड ने MOU साइन किया है इसराइल की एक कंपनी जिसका नाम है फिनर्जी और IOC फिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ, और ये दोनों हिंडलको और जो फिनर्जी लिमिटेड है वो दोनों मिलकर एल्यूमिनियम एयर बैटरी फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और एनर्जी स्टोर करने के लिए बनाएंगे। साथ ही साथ जो बैटरी यूज हो जाएंगे उनको रिसाइकिल करने का काम भी करेंगे।
नेक्स्ट बात करते हैं नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन उदय उमेश ललित जी के द्वारा भारत का पहला AI पावर्ड डिजिटल लोक अदालत लॉन्च किया गया है राजस्थान में, और राजस्थान पहला ऐसा स्टेट बन गया है पूरे भारत का जिसके पास AI पावर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड डिजिटल लोक अदालत है। और ये लॉन्चिंग कब हुई है, 18th ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी की मीटिंग चल रही थी जयपुर राजस्थान में, तब उदय उमेश ललित जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है फॉर्मर पंजाब स्पीकर एंड शिरोमणि अकाली दल लीडर निर्मल सिंह कलोन जी का निधन हो गया है, तो आपको इनकी पार्टी याद रखनी है कि ये शिरोमणि अकाली दल से हैं और पंजाब के स्पीकर रहे हैं। नेक्स्ट है रिसेंटली SBI ने एक स्टडी करी है और इस स्टडी में बताया है कि जो फार्मर्स जो किसान हैं उनकी एवरेज इनकम फाइनेंशियल ईयर 2017-18 एंड 2021-22 में इंक्रीज होकर 1.3 से 1.7 हो गई है, ये SBI की स्टडी से पता चलता है। इसके अलावा केरला भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसके पास अपना खुद का इंटरनेट प्रोवाइडर है, है ना। केरला फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क हैज़ रिसीव द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हर्षदा गरुण जिन्होंने गोल्ड मेडल 45 kg में एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि ताशकंद उज्बेकिस्तान में हो रही थी उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो इनका नाम याद रखना है कि ये एक वेट लिफ्टर है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो भारत का पहला 100% लैंड लॉट मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया बन गया है। इसके अलावा फॉर्ब्स की रियल टाइम बिलेनियर लिस्ट को पब्लिश किया गया है, इसमें टॉप 10 में 2 भारतीयों के नाम है, एक 4th नंबर पे अडानी जी का नाम है और 10th नंबर पे अंबानी जी का नाम है। तो भारत विश्व के 4th सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन बन गए हैं, तो यहाँ पे अडानी ग्रुप जो है गौतम अडानी जो है वो वर्ल्ड के 4th रिचेस्ट पर्सन बन गए जिनकी नेटवर्थ $115.5 बिलियन है और 1st नंबर पे एलन मस्क है। नेक्स्ट है PM मोदी के द्वारा स्प्रिंट चैलेंज को लॉन्च किया गया है फॉर द इंडियन नेवी जिससे इंडियन नेवी भारत की जो मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी है उसको यूज टू हो सकेगी, ठीक है। नेक्स्ट है मॉर्गन स्टेनली ने फाइनेंशियल 24 के लिए भारत की GDP जो है वो 6.4% बताई है। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा MSP जो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है जो कि 22 फसलों में डिक्लेयर है, तो MSP के लिए एक कमेटी बनाई है जिसके चेयरमैन कौन है, फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी संजय अग्रवाल जी हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के टेनिस प्लेयर जिनका नाम है लिंटन हैविट, इन्हें टेनिस हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया है। इसके अलावा वैन स्ट्रोक जो कि इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, इन्होंने ODI क्रिकेट से जो है वो अनाउंसमेंट कर दिया है, रिटायरमेंट संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज विनीत सरन जी को BCCI का एथिक्स ऑफिसर जो है वो अपॉइंट किया गया है और इन्होंने DK Jain की जगह ली है, तो BCCI के एथिक्स ऑफिसर कौन बन गए हैं, विनीत सरन बन गए हैं जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं। तो ये सारे वन लाइनर हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने जो हमारा 7 AM करेंट अफेयर्स होता है उसमें सारी चीज़ों को ऑलरेडी डिटेल में पढ़ रखा है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ और जल्दी जल्दी आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है ना। इसके अलावा RBI ने कुछ रिस्ट्रिक्शन मुंबई बेस्ड कॉरपोरेटिव बैंक रायगढ़ सहकारी बैंक पे लगाए हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं क्योंकि यहाँ पे इन पे जो उधारी है या कर्जा है या फाइनेंशियल जो सिचुएशन हो रही थी बैंक की वो ख़राब हो रही थी और कहा है कि एक बार में जो है वो 15,000 रुपये ही विदड्रॉ कर सकते हैं 6 मंथ तक, तो RBI ने मुंबई बेस्ड कॉरपोरेटिव बैंक रायगढ़ सहकारी बैंक पर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। इसके अलावा तेलंगाना द्वारा ट्रेडिशनल हिंदू फेस्टिवल बोनालू को सेलिब्रेट किया गया और बोनालू जो सेलिब्रेशन होता है फेस्टिवल का वो एक हिंदू फेस्टिवल है और यहाँ पे गॉडेस महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है रनिल विक्रम सिंघे जिन्होंने 8th प्रेसिडेंट श्रीलंका में 8th प्रेसिडेंट के रूप में जो है वो शपथ ली है, तो श्रीलंका के 8वें नंबर के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, रनिल विक्रम सिंघे बन गए हैं। नेक्स्ट है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में टॉप किसने किया है, जापान ने टॉप किया है। सेकेंड नंबर पर आपको सिंगापुर और साउथ कोरिया मिलेगा, थर्ड नंबर पर आपको जर्मनी मिलेगा और जापान जो है वो 193 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री वो जो है पासपोर्ट यूज़ हो सकता है, मतलब वीज़ा फ्री एक्सेस है 193 नेशंस में। और भारत की रैंकिंग यहाँ पे किस नंबर पर है, 87 नंबर पर भारत की रैंकिंग है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में। नेक्स्ट बात करते हैं ISSF वर्ल्ड कप जो कि साउथ कोरिया में हो रहा था वो कम्प्लीट हो गया 21 जुलाई को और इसमें भारत ने मेडल टैली में टॉप किया है, भारत को 15 मेडल मिले हैं, उन 15 मेडल में से 5 जो है वो गोल्ड मेडल है, 6 जो है वो सिल्वर मेडल है और 4 आपके ब्रोंज मेडल हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो फाइनल डे था मतलब 21 जुलाई को जो मैच था उसमें इंडिया की जो टीम थी मेंस टीम 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल राउंड में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और इस टीम में अनीश भनवाल, विजयवीर सिद्धू और शमीर शामिल थे।
नेक्स्ट है, इंडिया और नामीबिया के बीच में एमओयू साइन किया है फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी यूटिलाइजेशन। साथ ही साथ नामीबिया से भारत के जो कुनरो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, वहां पर चीता को रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि 1952 के बाद से चीता जो है वो भारत में एक्सटेंट है, इसलिए नामीबिया से 4 मेल और 4 फीमेल चीतास को जो है वो मध्य प्रदेश में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसलिए नामीबिया और इंडिया के बीच में एमओयू साइन किया गया है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है टू बिल्ड कम्युनिटी हेल्प टीम टू हेल्प बिल्ड कम्युनिटी, जिसका नाम है बीवा इंगेज ऐप। ठीक है, तो बीवा इंगेज ऐप किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने जो है उसको लॉन्च किया है। इसके अलावा आरबीआई के द्वारा मिनिमम कैपिटल एडिक्सी रेशियो को इंक्रीज कर दिया है, 9% से बढ़ाकर 12% कर दिया है विथ डिपॉजिट अबव 100 करोड़ रुपीज़ अर्बन कॉरपोरेटिव बैंक्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, आसाम के मुख्यमंत्री जिनका नाम है हेमंत विश्व शर्मा, इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है स्वनिर्भर नारी। और इस स्वनिर्भर नारी जो है वो एम्पावर इंडिजीनियस वीवर्स, तो जो भी हैंडलूम वर्क होते हैं असम में, उसको एप्लीकेशन के जरिए डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ असम उसे खरीदेगी, जिससे वहाँ पर जो महिलाएँ हैं उनको काम करने में मदद मिलेगी और जो वीवर्स हैं उनको मदद मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर अजय कुमार परीदा, इनका निधन हो गया है। ये एक साइंटिस्ट थे, साथ ही साथ डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस भी रहे हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे स्मार्ट सिटी मिशन की अगर हम बात करते हैं, तो स्मार्ट सिटी मिशन को 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। और स्मार्ट सिटी जो फंड है उसको यूटिलाइजेशन करने वाला जो टॉप स्टेट बन गया है वो तमिलनाडु है, और तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। ठीक है, इसके अलावा थर्ड एडिशन नीति आयोग का इनोवेशन इंडेक्स पब्लिश हुआ है। नीति आयोग ने अपना थर्ड इनोवेशन इंडेक्स पब्लिश किया है और इसमें जो टॉप स्टेट है वो कर्नाटका, कर्नाटका के बाद तेलंगाना और हरियाणा का नंबर है। अगर हम यूटी में देखते हैं तो यूटी में चंडीगढ़ का नंबर है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो मणिपुर का नंबर टॉप पर आता है। तो नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स को पब्लिश करती है और ये थर्ड एडिशन था। नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है वो सुमन बैरी हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्विज के बारे में। तो आइए हम क्विज देखते हैं। अगर आपने पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो आप डेफिनेटली इनके आंसर कर देंगे। तो आज आपके पास 35 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको हमें देने हैं, और आपका जो भी स्कोर रहता है वो कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चन ऑफ द डे होगा उसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है। चलो स्टार्ट कर लें, तैयार हैं आप लोग? चलो पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन कैप्टन हैज़ फेलिसिटेटेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा किस इंडियन कैप्टन को फेलिसिटेट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सौरभ गांगुली। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ सब स्कीम अंडर मिशन शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो मिशन शक्ति के अंतर्गत कौन सी सब स्कीम को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा समल एंड सामर्थ्य, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। तो बुंदेलखंड स्टेट एक्सप्रेस वे जो है उसके बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड द बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इन इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। इटावा डिस्ट्रिक्ट नहीं, जालौन डिस्ट्रिक्ट से किया था, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। अगला लिखा है, द 286 किलोमीटर फोर लेन एक्सप्रेस वे हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ अराउंड 15,850 करोड़ रुपीज़। तो ये भी बिल्कुल गलत है। 296 किलोमीटर का हमारा एक्सप्रेस वे है, ना कि 286 का। द एक्सप्रेस वे पासिस थ्रू द 7 डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से गुजरता है। तो ये बात बिल्कुल सही, तो केवल तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको उस न्यूज़ की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, विच बैंक हैज़ कम्प्लीटेड टेक्निकल इंटीग्रेशन विद द न्यू ई फिलिंग पोर्टल ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो किसने फिल किया है जिसके जरिए आप इनकम टैक्स को फिल कर सकते हैं? आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे आईओए जो है उसमें भारत के कितने टोटल मेंबर पार्टिसिपेट करने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम में बर्मिंघम में? तो आंसर हो जाएगा 322 पार्टिसिपेशन है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। डेलीगेट्स को मिला के, कोच को, स्टाफ को मिला के 322 लोग कॉमनवेल्थ गेम्स में जाएंगे। विच स्टेट हैज़ इट्स ओन इंटरनेट सर्विस, कौन सा स्टेट है जिसका अपना खुद का इंटरनेट सर्विसेज है? तो आंसर हो जाएगा केरला, ऑप्शन बी। विच इंस्टीट्यूट वॉज रैंक फर्स्ट इन नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क? तो यहाँ पे जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क पब्लिश हुआ है इसमें किस इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है? तो आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास ने इसमें टॉप किया है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु हैज़ वॉन द 41st बिला दे बेंस्क्यू इंटरनेशनल चेस ओपन टूर्नामेंट इन स्पेन? तो किसने जीता है? तो ये टूर्नामेंट जीता है अरविंद चिदम्बरम में, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर।
डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैज़ लॉन्च ब्लैंक अ मैस्कट फॉर एम्पावरिंग कंज्यूमर राइट्स. तो किस कौन क्या मैस्कट क्या है? जागृति है ना, जागृति, जागो ग्राहक, जागो टैगलाइन है. ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO किसे बनाया गया है? तो अभी हमने देखा था आशीष कुमार चौहान. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. इंडियन नेवी क्लो क्लास सबमरीन ब्लैंक हैज़ डिकमीशन फ्रॉम सर्विस आफ्टर 35 ईयर इन सर्विस. तो किसे डिकमीशन किया गया है? INS सिंधु ध्वज को. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. हु हैज़ वॉन द वीमेन सिंगल टाइटल ऑफ द सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट? तो किसने जीता है? PB सिंधु ने जीता है. ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा. नेक्स्ट है 15th इंटरनेशनल चेस ओपन पैरासिन जो कि सर्बिया में हुआ था, इस टाइटल को किसने जीता है? तो भारत के ग्रैंड मास्टर रह चुके आर प्रज्ञानंदन ने इस टाइटल को जीता है. ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट बात करेंगे हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू एंटर द मेन्स लॉन्ग जंप फाइनल एट द वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप. तो भारत में कौन सा पहला इंडियन बन गया है जो कि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में फाइनल में लॉन्ग जंप में पहुंचा है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मुरली श्री शंकर. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च रेपोस पे एंड द फिजिटल एप्लीकेशन? तो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है? तो MSME मंत्रालय ने, नारायण राणे जी के द्वारा. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. वॉट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग? तो क्या रैंकिंग है भारत की आउट ऑफ 52 नेशंस? 36. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 18th ऑफ जुलाई को ये दिन मनाया जाता है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ बीन नेम्ड द 2022 वर्ल्ड बेस्ट SME बैंक बाय यूरो मनी फॉर द सेकेंड टाइम? तो कौन सा बैंक यूरो मनी के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का बेस्ट SME बैंक बन गया है सेकेंड टाइम? सिंगापुर बेस्ड बैंक है जिसका नाम है DBS बैंक. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट बात करते हैं विच इंडियन स्टेट आर यूटी हैज़ लॉन्च फर्स्ट AI पावर डिजिटल लोक अदालत? तो पहला AI पावर डिजिटल लोक अदालत नालसा की मदद से किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा राजस्थान. ऑप्शन नंबर सी. विच कंट्री हैज़ लॉन्च एन एविएशन पैसेंजर चार्टर टू हेल्प द पैसेंजर नो देयर राइट्स? तो एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा बना है? UK. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है लियटन हैबिट वॉज इंडक्टेड इन टू इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ द फेम इन जुलाई 2022. ये किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. मायराज अहमद खान हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो किस स्पोर्ट से है? तो आपका पता है ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में इन्होंने पार्टिसिपेशन किया था, तो ये शूटिंग से है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है दिनेश रामदीन हु अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट रिसेंटली वॉज द कैप्टन ऑफ विच नेशंस टीम? तो किस देश से बिलोंग करते थे या किस टीम से बिलोंग करते थे इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो रनिल विक्रम सिंघे बन गए हैं. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर. नेक्स्ट है विच पोर्ट हैज़ बिकम द 100% फर्स्ट 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया हैविंग ऑल बर्थ बीइंग ऑपरेटेड ऑन पब्लिक प्राइवेट मॉडल? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. अब यहाँ पे सेंटर के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है ऑन MSP, इसके चेयरमैन कौन है? तो आंसर है यहाँ पे संजय अग्रवाल चेयरमैन बनाए गए हैं. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. हु हैज़ टॉप द फॉक्स बिलेनियर लिस्ट 2022? किसने टॉप किया है? एलॉन मस्क ने टॉप किया है. ऑप्शन डी. मॉर्गन स्टैनली के अकॉर्डिंग भारत की जो GDP है फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए वो क्या रहेगी? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 7.2% रहेगी. नेक्स्ट है हु हैज़ अपॉइंटेड मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर किसे बनाया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल जो कि रिटायर हैं राज शुक्ला जी. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है हु हैज़ टेकन ओवर एज अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI एथिक ऑफिसर एंड ऑम्ब्यूजमैन? तो किसे बनाया गया है? विनीत सरन. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. विच कंट्री विल होस्ट एशियन गेम्स इन 2023? तो एशियन गेम्स 2023 की मेजबानी कौन करेगा? आंसर है चाइना करेगा. ऑप्शन ए. विच कंट्री हैज़ द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड एज पर द हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022? तो आंसर है जापान. जापान का पासपोर्ट सबसे पावरफुल पासपोर्ट है. ऑप्शन बी. हु हैज़ अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ONGC विदेश लिमिटेड? ONGC विदेश लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया है? तो राशि गुप्ता को. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. विच सिटी आर यूटी हैज़ टॉप द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 अमंग UT कैटेगरी? तो कौन सी UT ने टॉप किया है? तो चंडीगढ़ इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी.
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रतन इंडिया पावर. रतन इंडिया पावर के डायरेक्टर कौन बनाए गए मैनेजिंग डायरेक्टर? आंसर है ब्रजेश गुप्ता. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे. इसको ध्यान से पढ़ना है ना. क्वेश्चन समझिएगा, पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू. द्रौपदी मुर्मू जो है वो 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है. द्रौपदी मुर्मू को 66% मिले थे वोट, जबकि अपोजिशन यशवंत सिन्हा जी को 34% वोट मिले थे. द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने गवर्नर ऑफ झारखंड के रूप में 2014 से 2019 तक सर्व किया है. ये बात तो बिल्कुल सही है, गवर्नर ऑफ झारखंड रही है 9th नंबर की. इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू का जन्म जो है वो रांची डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में हुआ. इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? एक और दो, दो और तीन, तीन और चार, एक दो तीन, दो तीन चार. तो आपको बिल्कुल एनालिसिस करना है इस क्वेश्चन को और आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है. अब सही आंसर कहाँ पर मिलेगा, तो देखिएगा सही आंसर कहाँ पर मिलेगा. तो आज मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाली हूँ हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर, है ना. मतलब जो हमारे 15वें राष्ट्रपति हैं उनकी जीवन जो कथा है या फिर आप इनकी जो बायोग्राफी है वो, और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है या जो वन लाइनर फैक्ट है जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है. तो इसके लिए 10 से 15 मिनट का एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ, जो कि आज शाम को आपको मिल जाएगा. कहाँ पर मिलेगा? ये हमारे परचम का जो वॉल्यूम 2 चैनल है ना, वॉल्यूम 2 को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे कर लेंगे. वहाँ पर आपको प्रेसिडेंट से रिलेटेड ये वीडियो आपको आज मिल जाएगा और उसी वीडियो से आप इस क्वेश्चन के आंसर तक भी पहुंच सकेंगे. या आप यूँ मान लीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर उस वीडियो में आपको दिया जाएगा. आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप आंसर हमें कमेंट करके बताइए. और जिन्हें नहीं पता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप शाम को इस वीडियो को परचम वॉल्यूम 2 पे देख लीजिएगा तो आपके क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे. साथ ही साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट और आपको वन लाइनर वहाँ से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है. तो हम उसको आज डिस्कस करेंगे. तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस आज आपका जो भी स्कोर रहता है वो स्कोर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और सही आंसर पता है तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा. सो थैंक यू सो मच. हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टेक केयर एंड बाय बाय.